निशुल्क राशन वितरण में भी दबंग व भ्रष्ट कोटेदार व अधिकारी द्वारा वसूला जा रहा अवैध पैसा। प्राप्त जानकारी के अनुसार आप सभी को बताते चलें कि एक तरफ कोरोना जैसी भयानक बीमारी से बचने के लिए शासन प्रशासन द्वारा गरीबों को संपूर्ण मदद व पीड़ितों के लिए हर संभव संपूर्ण प्रयास उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोटेदार मकलू ग्राम सभा पूरे मंजू शाह ब्लॉक जगदीशपुर द्वारा निःशुल्क राशन वितरण को लेकर गरीबों से वसूला जा रहा है पैसा। और राशन वितरण में भी जमकर की जा रही धांधली और वजन में भी किया जा रहा है घटतौली। और आगे आपको यह भी बताते चलें कि ग्रामीणों व प्रधान का कहना है कि कोटेदार मकलू बहुत ही बेईमान किस्म का इंसान है, ना तो लोगों को पूर्ण रूप से राशन देता है और ना ही किसी की कोई बात सुनता है, अपने आगे किसी की बात सुनना पसंद नहीं करता है और बोलने पर लड़ाई झगड़ा करने के लिए आमादा हो जाता है और कहता है कि मैं लगातार 25 सालों से कोटा चला रहा हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। और खास बात तो यह है कि प्रधान स्वामीनाथ का कहना है कि इस धांधली में सप्लाई इंस्पेक्टर भी मिले हुए हैं और यदि कोई कुछ बोलना चाहता है तो कोटेदार उसे लिस्ट से नाम कटवाने की धमकी देता है और अपने दरवाजे से गाली देकर भगा देता है और कहता है तुमको जो करना है जाकर कर लो, मेरा कोई भी अधिकारी मेरा कुछ नहीं कर सकता। और आगे आपको बताते चले कि तकरीबन 8 साल पहले कोटेदार मकलू द्वारा व अधिकारियों द्वारा राशन कार्ड बनने के लिए फॉर्म भरे गए थे लेकिन उनको आज तक भी राशन कार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम सभा पूरे मंजू शाह में किसी भी कार्ड धारक का कार्ड बनकर नहीं दिया गया। और आगे आपको यह भी बताते चलें कि कितनी लापरवाही से और दबंगई के साथ गरीबों के हक को छीना जा रहा है, कोटेदार व अधिकारी द्वारा हक नहीं मिल रही है लोगों को सुविधाएं। का नाम है दादा आपका? सुमंगल। कौन है आपके यहाँ कोटेदार? मकलू। मकलू जी का राशन आपको मिला नहीं कभी? नहीं मिला। क्या नाम है आपका पूरा? सुमंगल। कितनी यूनिट है आपकी? हमारे हाँ। कई जने हो कार्ड में? कार्ड में हम चार जने हैं। चार जने? हाँ। राशन पूरा मिला था? नहीं, एक किलो कम। एक किलो हमेशा कम कर देते हैं, मतलब राशन कम कर देते हैं। अच्छा, इसलिए आप पैसे लागे थे। अच्छा, अंगूठा लगवा लिया? कई पैसे लागे थे। अंगूठा लगवा लेते हैं, पैसा जमा कर लेते हैं, बाद में राशन देते हैं। अच्छा, फूलमती कार्ड कोटेदार कार्ड अभी तक नहीं दिया है, पर राशन मिलता है कि नहीं? क्या दिक्कत है राशन में? कुछ नहीं, पैसा आपके तो पैसा भाई नहीं लगता है। पैसा फ्री में नहीं दी, पैसा लेके दिए। पैसा लेके दिए। हाँ। फूलमती क्या पूरा नाम बताइए? फूलमती क्या, कौन सा कास्ट है इनका? एससी है सर। कितनी यूनिट है आपकी? कई जन? सात जने। कितना किलो राशन मिला? मिला है काई नहीं, 28 किलो। 28 किलो मिला है? 28 किलो। 35 किलो मिले करा? 7×28 चार किलो पर यूनिट पे, एक किलो काट रहे हैं। पूरा राशन नहीं देते हैं और इस बार पैसा लेके राशन दे रहे हैं। कौन है कोटेदार अपने यहाँ का? मकलू। पूरा नाम बताइए उनका। मकलू पासी है? मकलू पासी। यही कोटा चलाते हैं? आपने प्रधान जी से नहीं बताया? प्रधान तो यहाँ खड़े हैं, क्या बताइए जी? प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? प्रधान जी साथ आप बोलो जी। बताने पर अगर मेरे पास कोई शिकायत करने आता है तो अगर हम जाते हैं तो कहते हैं जो मर्जी कर लो, हम नहीं देंगे। तो जहाँ जहाँ जाओ हम जितना आ रहा है इतना ही देंगे। और कहते हैं कि अगर जो है अगर कुछ कहो वो करोगे तो हम जो है भगा देते हैं दरवाजे से और निपटा। क्या नाम है आपका? स्वामीनाथ। स्वामीनाथ। पूरा नाम बताइए। स्वामीनाथ प्रधान प्रतिनिधि। अच्छा, प्रतिनिधि। प्रधान कौन है? प्रधान है राजकुमारी। राजकुमारी आपकी वाइफ है? नहीं नहीं, भाई के वो। अच्छा अच्छा, ज्यादा है आपके यहाँ? कितने गांव का मौजा है आपका? दो गांव का मौजा है। वोटर कितने हैं आपके यहाँ? लगभग 1400 हो जाएंगे। 1400 वोटर है, तो मतलब एससी ज्यादा है और लगभग 100 लोगों का बयान आपके पास है। जैसे हम दिखा दें, इतने लोग हैं, प्रधान जी साथ में, प्रधान जी के दरवाजे पे बैठे हैं यहाँ पे, और लगभग 100 से ज्यादा लोग प्रधान जी के यहाँ पे उपस्थित हैं, जिनको राशन की समस्याएं हैं। प्रेजेंट टाइम में राशन घटतौली, किसी के पास घटतौली की समस्या है, किसी के पास पैसे लेने का आरोप है,
फ्री राशन बट रहा है, किसी के पास जाप कार्ड है तो उनको 5 किलो राशन ही दिया जा रहा है। तो इस बात के अवगत कर रहा है, इस बात को देखना है कि कैसे शासन प्रशासन इस बात को कैसे संज्ञान में लेता है। प्रधान जी का कहना है कि इसमें सप्लाई भी, जो सप्लाई ऑफिसर है, जो अधिकारी है, वो भी मिला हुआ है। कितने साल से कोटेदार है वो? ये सर लगभग 25 साल। आपका कहना नहीं मानते हैं? नहीं नहीं, कुछ आप कुछ कह नहीं सकते हैं? नहीं नहीं, कोई बात मानता ही नहीं, नथिंग एकदम, कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ नहीं मानता अपने गाड़ी। प्रधान समझता नहीं चल रहा 25 साल से, इसलिए रोजी रोजगार उसका चल रहा है। जब जनता उन्हें समझ रहा है, प्रधान को अकेले क्या समझेगा? कौन सा कास्ट है वो? पासी है वो भी? पासी है वो भी? पासी, सारा पासी पासी है। अच्छा, पूरा गांव मतलब पासी में? पासी है। अच्छा, इसीलिए तो नहीं समझता। अगर कोई और होता है तीन तलाका लगाते तो सही। वो कई बार सस्पेंड भी तो हो चुका है इतने साल में। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 8445657566।